सुहागिनों ने अपने सबसे बड़े व्रत यानी करवा चौथ को बड़ी धूमधाम से मनाया। गोरखपुर के पैडलीगंज में स्थित मंदिर में तमाम महिलाओं ने पूरी विधि विधान के साथ करवा चौथ के कार्यक्रम को संपन्न किया। बता दें आपको कि हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर निर्जला व्रत और चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देने का खास महत्व है। इस बार करवा चौथ बहुत ही शुभ अवसर पर है। इस बार करवा चौथ में खास बात देखी गई कि महिलाएं जो अपने पति के लिए व्रत थीं, वो तो थी ही, साथ में कुछ पति अपने पत्नी के लिए भी व्रत थे। उन्होंने कहा कि पत्नियां तो पतियों के लिए निर्जला व्रत रह करके त्याग करती हैं, लेकिन उसका अनुभव पतियों को भी होना चाहिए। इसीलिए पति भी पत्नी के लिए व्रत रहकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। जी पिछले 10 साल हम लोग के हो गए शादी के, हम लोग एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं करवा चौथ का। और हमारे हिसाब से सारे हस्बैंड को अपने, जब पत्नी इतना ख्याल करती है कि व्रत रखती है हस्बैंड के लिए, तो एक पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे, ठीक है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये करवा चौथ का त्यौहार, ठीक है। और एक दूसरे के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग का प्यार बढ़ता है इससे। जब से शादी हुई तब से आप व्रत रहे हैं? सर हाँ, 10 साल से। आज सुबह से निर्जला फास्ट था हम लोग, मेरा और इनका, दोनों का, हम दोनों का एक दूसरे के लिए। फिर शाम में हम मंदिर गए, कथा सुने, कथा सुनने के बाद हमने चांद का वेट किया, फिर चांद निकला तो चांद का पूजा किया हमने, फिर मैंने अपने हस्बैंड का पूजा किया, फिर उनके हाथ से जल ग्रहण किया, फिर इनको भी जल पिलाया और एक दूसरे का फास्ट तोड़ा हमने। मैम कितने साल से आपकी शादी हो गई? हम लोग 10 साल हो गए, और 10 साल से हम लोग एक दूसरे के लिए फास्ट रखते हैं। हाँ, और आज अपने पति के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे पति के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड मिले और हर जन्म में मुझे यही चाहिए। मैम इस शादी के बाद इस मंदिर में हमेशा आती रही हैं आप? हाँ, 10 साल से आ रही हूँ। तो और किस तरह से कार्यक्रम होता है, किस तरह से यहाँ पे? यहाँ पंजाबी कम्युनिटी के हिसाब से होता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ थाली घुमाना, उसके बाद व्रत पंडित जी सुनाते हैं, फिर पूजा होता है, बहुत अच्छे से होता है। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मतलब कब आएगा करवा चौथ, कब जाता है, तुरंत वेट होता है कब आएगा। इससे ना क्या, अब हस्बैंड की लंबी उम्र तो होती है, मतलब मान्यता है ये, बट इससे मुझे ऐसा लगता है ना कि प्यार बहुत बढ़ता है करवा चौथ व्रत से। मैम